नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं अपना बी के राजा चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप अपने फ्लिपकार्ट का कोई अकाउंट बनाएं और उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसे रिकवरी कर सकते हैं। और फ्रेंड, आप अगर एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो नया अकाउंट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। फ्रेंड, इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, आपको सिंपली अपने फ्लिपकार्ट पे जाना होगा। जैसे कि मैं अपने फ्लिपकार्ट पे चला जाता हूँ फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट जैसे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सॉरी, मैंने पहले से खोल के रखा। तो जब हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हम दिखा देते हैं, जब हम यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो थ्री लाइन पे, तो हम नीचे जाएंगे, नीचे से माई अकाउंट का ऑप्शन आता है। हम माई अकाउंट पे जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे माई अकाउंट पे जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आ गया। पहले से मैंने खोल रखा था तो सो इस तरह से दिख रहा था। तो हमें अगर पासवर्ड चेंज करना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से लॉग आउट दिस ऐप कर देंगे। जैसे कि हमने लॉग आउट कर दिया तो फ्रेंड आपको भी यही करना होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये लॉग आउट हो चुका है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा समय लग सकता है। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा फिर से लॉग आउट हो गया है। तो फिर हमको क्या करना क्या है, यहाँ पे फिर से हम जाएंगे अपने थ्री डॉट पे, हम चले जाते हैं वहाँ पे अपने माय अकाउंट में जाएंगे नीचे से। उसके बाद अपना यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो हमारे पास ईमेल आईडी है नहीं, या हमारे पास ईमेल आईडी है हम डालना नहीं चाहते, हम नंबर से करेंगे। तो हमको सिंपली तो फ्रेंड हमको हम अपना यहाँ पे कोई नंबर डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नंबर पहले से ऐड है। अगर आप ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहें तो ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारा नंबर पहले से यहाँ पे ऐड है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। और नहीं तो फ्रेंड हमें करना क्या होगा, तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ मोबाइल ईमेल पर कर देते हैं। नहीं तो अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहीं से नया अकाउंट बना सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने इस पहले से मतलब बनाया था एक अकाउंट, तो ये हमारा नंबर आ रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, मतलब वो मतलब जो पहले डाले थे मान लीजिए वो डालते हैं तो ये होगा नहीं। तो हम फिर से मतलब कोई पासवर्ड चूज कर लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम विवेक, सिंग इन करते हैं। तो फ्रेंड ये सिंग इन नहीं होगा तो हम फॉरगेट पर क्लिक कर देते हैं। फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद गो टू ऐप सेटिंग में जाएंगे। सॉरी, अब हम बैक कर देते हैं। यहाँ पे इंटर कोड, यहाँ पे हमारा जो नंबर पे मतलब हमने क्लिक किया है उस पर एक मैसेज आएगा, मतलब एक ओटीपी कोड आएगा। तो हमको यहाँ पे डालना होगा उसको। हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना कोड 35 43 8। सॉरी, हमने गलत डाल दिया। फिर से हम क्लिक करते हैं 35 47 82। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर जो नया पासवर्ड चूज करना चाहे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ अपना ही नाम। उसके बाद डन पे क्लिक कर देते हैं। तो डन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यह रिकवरी हो गया। और फिर जो आप जो परचेज किए रहेंगे चाहे जो भी वो वापस नहीं होगा, मतलब रिकवरी मतलब वो हटेगा नहीं। तो फ्रेंड जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट जो पहले सा था वही आ गया। तो फ्रेंड आप यहाँ से आसानी से इसको रिकवरी कर सकते, पासवर्ड ला सकते। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।